हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग वेन एवर यू आर वॉचिंग मी। मेरी विशेज हमेशा हमेशा आपके साथ है स्टूडेंट। आज स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स कैसे हुए, प्रोटॉन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये डिस्कस किया था। आज क्लास में हमें डिस्कस करना है मॉडल्स। तो मॉडल्स के लिए हम कहते हैं कि मॉडल्स क्या हैं, तो एक्चुअल में एटम्स को जिस जिस तरीके से डिफाइन किया गया और जिन जिन साइंटिस्ट ने डिफाइन किया गया, उन्होंने अपने अपने मॉडल्स एटम्स के लिए दिए। तो सबसे पहला जो मॉडल हमें यहाँ डिस्कस करना है वो कौन सा होगा, जे जे थॉम्सन मॉडल। फर्स्ट मॉडल हम जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा जे जे थॉम्सन मॉडल। अब ये जो जे जे थॉम्सन मॉडल है, इस जे जे थॉम्सन मॉडल में क्या था कि इस मॉडल को हम एक और नाम दे देते हैं कई बार, तो वो क्या होता है, वाटरमेलन मॉडल। इसको हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, वाटर मेलन मॉडल भी बोलते हैं, वाटर मेलन मॉडल। और वाटर मेलन मॉडल के साथ साथ हम इसको कई बार एक और नाम देते हैं और वो होता है प्लम पुडिंग मॉडल। अब इनको ये नाम क्यों दिए गए, तो अभी हम जब इस मॉडल को डिस्कस करेंगे तो सारी बातें डिस्कस करेंगे कि ये वाला नाम किस कंडीशन में दिया गया और ये वाला नाम किस कंडीशन में दिया गया। ये तो हुई बात। अब सबसे पहली बात आती है, जे जे थॉम्सन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम को डिफाइन किया था अपने मॉडल्स के थ्रू। तो और इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे कि इनको नोबल अवार्डेड, ये नोबल अवार्डेड थे। किसके लिए नोबल अवार्डेड थे, नोबल प्राइज अवार्डेड थे ये। किसके लिए, यानी इस मॉडल के लिए क्या हुआ था, इनको नोबल प्राइज मिला था। अब आप कहेंगे सर ये मॉडल, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इस मॉडल के बाद रदरफोर्ड मॉडल आया, यानी ये मॉडल फेल हो गया था। ये मॉडल फेल भले ही हो गया था, लेकिन ये पहले इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनविजिबल सब्सटेंस को, यानी एटम इनविजिबल होता, उसको डिफाइन करने का ट्राई किया था। तो ये नोबल प्राइज, उनको इस मॉडल के लिए नोबल प्राइज मिला था। वो अलग बात है कि ये मॉडल फेल हो गया था, ठीक है, लेकिन इसको उनको क्या हुआ था, नोबल प्राइज मिला था। चलिए हम इस मॉडल को स्टार्ट करते हैं। तो इस मॉडल को स्टार्ट करने के लिए थॉम्सन ने क्या कहा, थॉम्सन ने अपने इस मॉडल के अंदर कहा कि एन एटम इज जस्ट लाइक, एन एटम इज जस्ट लाइक द वाटरमेलन, एन एटम इज जस्ट लाइक द वाटरमेलन। पहली बात उसने क्या कही कि एक जो एटम होता है वो किस तरीके से होता है, एक जस्ट लाइक द वाटरमेलन होता है। जस्ट लाइक द वाटरमेलन का मतलब है कि हाफ कटेड वाटरमेलन। अगर मैं वाटरमेलन को हाफ कट कर दूं, वाटरमेलन मीन्स तरबूज, अगर तरबूज को मैं हाफ कट कर दूं तो क्या होगा, क्या होगा, तो इसके अंदर क्या होगा कि मैक्सिमम पार्ट क्या होगा, रेडिश, और रेडिश पार्ट में कहीं कहीं पर सीड्स एम्बेडेड होंगे, कहीं रेडिश पार्ट में कहीं कहीं पर सीड्स एम्बेडेड होंगे, और ये क्या हो बन गया है, वाटरमेलन। कुछ इस तरीके से होता है वाटरमेलन। अब उन्होंने कहा कि एन एटम इज जस्ट लाइक द वाटरमेलन, यानी उन्होंने एटम को वाटरमेलन से कंपेयर कर दिया, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात उन्होंने कहा, द ऑलमोस्ट और एंटायर मास ऑफ एटम इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स आर स्कैटर्ड लाइक रेडिश पार्ट ऑफ वाटरमेलन। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। उन्होंने कहा कि एक्चुअल में एटम जो होता है वो हाफ कटेड वाटरमेलन की तरह होता है, और हाफ कटेड वाटरमेलन में जिस तरीके से सारे में क्या होता है, अगर आप हाफ वाटरमेलन को काट दोगे, आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पर कि हाफ वाटरमेलन में अगर आप उसको काट देते हो तो सारा मैक्सिमम पार्ट उसमें क्या दिख रहा है, रेडिश। तो उन्होंने कहा जिस तरीके से एटम में मैक्सिमम पार्ट रेडिश होता है, उसी तरीके से एटम में मैक्सिमम पार्ट में प्रोटॉन्स क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, प्रोटॉन्स फैले होते हैं। यानी उन्होंने एटम के रेडिश वाटरमेलन में जो रेडिश पार्ट था, रेडिश पार्ट को किससे कंपेयर कर दिया, रेडिश पार्ट को उन्होंने कंपेयर कर दिया प्रोटॉन्स से, कि जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर, जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर रेडिश पार्ट सारे में स्कैटर्ड होता है, फैला होता है, उसी तरीके से एटम के अंदर प्रोटॉन्स फैला हुआ होते हैं, प्रोटॉन्स फैले हुए होते हैं। यानी उन्होंने रेडिश पार्ट को प्रोटॉन से कंपेयर किया। तो यही लाइन हमने कवर की है, द ऑलमोस्ट और एंटायर मास ऑफ एटम, यानी एटम का मैक्सिमम मास जो होता है, मैक्सिमम पार्ट जो होता है, इज ड्यू टू द प्रोटॉन, वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है। एंड प्रोटॉन्स आर स्कैटर्ड, जो प्रोटॉन्स होते हैं
इन एटम, वो एटम के अंदर कैसे स्कैटर्ड होते हैं, लाइक रेडिश पार्ट ऑफ वाटरमेलन, जैसे वाटरमेलन में रेडिश पार्ट होता है। तो ये एक पॉस्टुलेट था इनका। नेक्स्ट पॉस्टुलेट जो था वो क्या था, तो मैं यहां कर रहा हूं इसको कवर। तो नेक्स्ट पॉस्टुलेट में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम जस्ट लाइक सीड्स एम्बेडेड इन वाटर मेलन। मीन्स उन्होंने क्या कहा कि जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर कहीं कहीं पर बीज धंसे होते हैं, सीड्स एम्बेडेड का मतलब बीज धंसे हुए होते हैं, उसी तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी एटम के अंदर मैक्सिमम पार्ट तो क्या हो गया, रेडिश, जो कि किसको रेडिश पार्ट किससे कंपेयर किया उन्होंने, प्रोटॉन से, यानी मैक्सिमम पार्ट उसमें क्या है, रेडिश है। और उन्होंने एटम के इलेक्ट्रॉन्स को किससे कंपेयर कर दिया, एटम के इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर कर दिया सीड से। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर सीड्स एम्बेडेड होते हैं, इसी तरीके से एटम के अंदर प्रोटॉन्स के अंदर क्या होते हैं, रेडिश पार्ट के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो और इस तरीके से फाइनल उन्होंने कंक्लूजन कहा, फाइनल कंक्लूजन उन्होंने क्या कहा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फाइनल कंक्लूजन उन्होंने कहा कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लास्ट उन्होंने कहा कि इस तरीके से एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी एटम पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये था उनका मॉडल एटम को डिफाइन करने का। अब एटम को डिफाइन किया, लेकिन एटम पर फर्दर स्टडीज़ भी चल रही थी। और एटम पर जब फर्दर स्टडीज़ चल रही थी, जो दूसरे साइंटिस्ट एटम पर फर्दर स्टडीज़ कर रहे थे, वहाँ पर उनकी स्टडीज़ का जो ऑब्जर्वेशन था, इस ऑब्जर्वेशन से बड़ा डिफरेंट आ रहा था। और जब उन्होंने फर्दर उन पर जब दूसरे साइंटिस्ट ने फर्दर एटम पर स्टडी कैरी ऑन रखी, तो पता लगा कि इनके ऑब्जर्वेशन और उनके ऑब्जर्वेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और इनका ऑब्जर्वेशन काफ़ी प्लेसेस पर गलत है। तो इसलिए इनके इस ऑब्जर्वेशन में या इनके मॉडल को, ये मॉडल आगे चलकर फेल हो गया। तो इन शॉर्ट ये मॉडल क्या था, तो ये मॉडल था वाटरमेलन मॉडल, यानी इन्होंने एटम को वाटरमेलन से कंपेयर किया था। और वाटरमेलन में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वाटरमेलन में रेडिश पार्ट स्कैटर्ड होता है, फैला हुआ होता है, उसी तरीके से एटम के अंदर प्रोटॉन्स फैले हुए होते हैं। और जिस तरीके से एटम के अंदर कहीं कहीं पर सीड्स एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, उस वाटरमेलन के अंदर सीड्स एम्बेडेड होते हैं, उसी तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो उन्होंने वाटरमेलन से एटम को कंपेयर किया था। अब हमने कहा कि इसको एक और नाम दिया था, वो क्या था, वाटरमेलन मॉडल तो बोला ही गया, साथ साथ उसे क्या बोला गया, प्लम पुडिंग मॉडल। बच्चों प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब होता है एक खीर टाइप का। अगर आप खीर बनाते हो तो खीर में मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, वाइट। और उसके अंदर जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू बादाम छुआरे हैं, वो क्या है, उनको कंपेयर कर लो आप इलेक्ट्रॉन्स से। तो प्लम पुडिंग मॉडल से भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, प्लम पुडिंग से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मॉडल था, और ये मॉडल्स के पॉस्टुलेट थे। लेकिन इस मॉडल की क्या रही कुछ कमियाँ, जब किसी चीज़ की कमी रहती है तभी तो उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नया किया जाता है। तो इसमें बहुत सारी कमियाँ रह गई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं लिमिटेशन। तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशन क्या थी, अगर हम कहें कि इसकी सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशन क्या थी, तो सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशन थी इसकी न्यूट्रलिटी। लिमिटेशन क्या थी, न्यूट्रलिटी। तो क्या था, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। यानी ये एटम को न्यूट्रल एक्सप्लेन बहुत अच्छे से नहीं कर पाए। आप खुद सोचिए, उन्होंने कहा कि रेडिश पार्ट जो होता है वो प्रोटॉन्स होते हैं, और जो सीड्स होते हैं उसको कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन्स से। अब आप खुद देखिए, रेडिश पार्ट तो बहुत सारा होता है और सीड्स बहुत कम होते हैं, तो यानी पॉजिटिव चार्ज बहुत, और प्रोटॉन्स पर क्या होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव होता है, तो यहाँ तो पॉजिटिव बहुत सारा है, और पॉजिटिव अगर बहुत ज़्यादा हो और नेगेटिव बहुत कम हो, तो वो एटम कैसा, न्यूट्रल नहीं हो सकता। क्योंकि हमें पता है कोई एटम न्यूट्रल तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में हो, जितना पॉजिटिव हो उतना नेगेटिव हो। यानी अगर मेरे पास 5 पॉजिटिव है
चार्ज है और 5 नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, और ऑल ओवर चार्ज कितना होगा? 0। तो 0 का मतलब वो चीज़ न्यूट्रल होगी। लेकिन अगर मेरे पास 10 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है तो वो न्यूट्रल नहीं हो सकती, वो कैसी होगी? वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, वो सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इस न्यूट्रैलिटी को वो एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो ये मॉडल उनका फेल हो गया था। तो इस तरीके से ये थॉमसन मॉडल था, जिस पर नोबल प्राइज़ तो मिला था, लेकिन नोबल प्राइज़ मिलने के साथ इसमें बहुत सारी कमियां थी जिनको अगले साइंटिस्ट ने कंप्लीट किया और वो बहुत सारी कमियों को दूर किया। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट मॉडल को डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा रदरफोर्ड मॉडल। देख लीजिए आप इसको, होप आपने इसको देख लिया होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब जब हम रदरफोर्ड मॉडल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो रदरफोर्ड मॉडल में प्रॉब्लम आती है क्या कि एक्चुअल में जब एटम के ऊपर स्टडी चल रही थी तो हमारे एक साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड। अब जो रदरफोर्ड मॉडल था, ये जो साइंटिस्ट आए थे रदरफोर्ड, ये बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, ठीक है। रदरफोर्ड ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे और ये बहुत रिच साइंटिस्ट थे उस समय। एक्चुअल में ये रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे और इनकी पूरी टीम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पर वर्क कर रही थी। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस नेचर में वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने अंदर से कुछ स्पेशल वेव्स को इमिट करते हैं, और वो स्पेशल इमिट्स क्या होती हैं? अल्फा, बीटा और गामा। तो रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी बता देता हूँ आपको यहीं पर। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? ये दो तरीके के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। एक को बोला जाता है नेचुरल। नेचुरल का मतलब जो प्रकृति से हमें मिलते हैं, हम उनको बनाते नहीं, नेचर से मिलते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि हम कुछ केमिकल मेथड से कुछ बम्बार्डमेंट करके कुछ नए रेडियो एक्टिव डेवलप करते हैं, तो वो क्या होते हैं? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। और नेचुरल कौन से होते हैं? जो हमें नेचर से एज इट इज़ मिलते हैं। इनका नेचर क्या होता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज वो होते हैं जो अपने अंदर से कुछ स्पेशल तरीके की, अगर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो रेगुलरली ये अपने अंदर से कुछ स्पेशल तरीके की वेव्स को इमिट कर रहे होंगे। और एक वेव्स को बोला जाता है अल्फा रेज, एक को बोला जाता है अल्फा रेज, दूसरे तरीके की वेव्स जो यहाँ से निकलती हैं उनको बोला जाता है बीटा रेज, और तीसरे तरीके की जो वेव्स निकलती हैं उनको बोला जाता है गामा रेज, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अल्फा रेज जस्ट लाइक द अल्फा रेज जो होती हैं, बीटा रेज और गामा रेज की अगर हम बात करें, तो जो अल्फा रेज होती हैं, अल्फा रेज जो होती हैं वो जस्ट लाइक द प्रोटॉन्स होती हैं। यानी हमने बाद में पता लगा कि अल्फा रेज का जो नेचर होता है जस्ट लाइक द प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और ये जस्ट लाइक द प्रोटॉन होती हैं। बीटा रेज जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, यानी इनका काफ़ी बिहेवियर इलेक्ट्रॉन से मिलता है और ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है। अगर मैं बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर लगाऊं और एक पॉजिटिव प्लेट इधर लगाऊं, तो ये अल्फा रेज इधर नेगेटिव की ओर मूव करने लगेंगी, ये बीटा रेज इधर पॉजिटिव की ओर मूव करने लगेंगी, क्योंकि ये इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन की तरह। और गामा रेज हमने सीधी निकाली है, इसका मतलब ये न्यूट्रल होती हैं, ना तो ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और ना ही नेगेटिवली चार्ज होती हैं। दे आर जस्ट लाइक द न्यूट्रॉन्स, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं न्यूट्रॉन्स से। तो इन शॉर्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो अपने अंदर से इटसेल्फ कुछ रेडिएशन को प्रोड्यूस करते हैं, और वो रेडिएशन तीन तरीके की वेव्स की फॉर्म में इमिट होता है, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। अल्फा रेज जस्ट लाइक द प्रोटॉन्स होती हैं, बीटा रेज जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, और गामा रेज जस्ट लाइक द न्यूट्रॉन्स होती हैं। और आर्टिफिशियल जो होते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, वो हम बम्बार्डमेंट के थ्रू बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शंस में, न्यूक्लियर रिएक्शन यानी न्यूक्लियर रिएक्टर अगर आपने 10th में पढ़ा है तो वहाँ पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर में के केस में आर्टिफिशियल मतलब हम जब बम्बार्डमेंट करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज का, तो छोटे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आर्टिफिशियली मेथड से प्रोड्यूस होते हैं और उनको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव। ये बात हुई। और एक्चुअल में इसकी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की डिस्कवरी किसने की थी? तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी आ जाता है, वो थी हेनरी बेकुरल, ठीक है। हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज की डिस्कवरी की थी, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे, ठीक है। और हेनरी बेकुरल और दूसरे थे मैडम क्यूरी, और फाइनलाइज किसका नाम मिला था? मैडम क्यूरी को जाता है डिस्कवरी ऑफ, हेनरी बेकुरल को जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज का, और मैडम क्यूरी को जाता है रेडियम्स की डिस्कवरी का, ठीक है। तो ये एक आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का पता लग गया। फिलहाल मैं बात कर रहा था कि जो रदरफोर्ड मॉडल था, रदरफोर्ड बहुत एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे और एक रिच साइंटिस्ट थे, जो कि किस पर काम कर रहे थे? जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पर काम कर रहे थे और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से बहुत पैसा कमा रहे थे उन पर काम करके, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि इनकी टीम ने देखा
कि एक्चुअल में इनकी टीम ने देखा कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से अल्फा रेज निकल रही हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, अभी बताए प्रोटॉन्स की तरह होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जब उन्होंने एटम के ऊपर क्या किया, बम्बार्डमेंट कराया, तो एटम के ऊपर बम्बार्डमेंट कराने पर उन्होंने देखा कि एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराने पर देखा कि पॉजिटिव चार्ज मतलब अल्फा पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं। तो जब ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा तो ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने रदरफोर्ड को बताया। रदरफोर्ड की टीम ने कहा कि जब हमने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स को एटम पर बम्बार्डमेंट कराया तो वो अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापस भी आ रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापस आ रहे थे। और जब कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापस आ रहे थे तो रदरफोर्ड के माइंड में आया कि कुछ एटम के लिए, एटम में कुछ गड़बड़ है कि क्यों आ रहे हैं ये पार्टिकल वापस। तो वो इस वजह से इस पर स्टडी करना उन्होंने स्टार्ट किया, और स्टडी करने के बाद एक मॉडल को दिया, और वो जो मॉडल था वो क्या था, रदरफोर्ड मॉडल। और इस रदरफोर्ड मॉडल का एक और नाम हम दे देते हैं, और वो रदरफोर्ड मॉडल का नाम क्या होता है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी इसको बोला जाता है। अब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर रदरफोर्ड मॉडल में इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए, अल्फा पार्टिकल्स के लिए एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जो क्या प्रोड्यूस करता है, अल्फा पार्टिकल्स। दूसरा, इन्होंने जिस अल्फा पार्टिकल्स का जिस मेटल पर बम्बार्डमेंट किया था, मेटल की शीट पर बम्बार्डमेंट किया था, वो थी गोल्ड की शीट। वो कौन सी थी, गोल्ड की शीट। अब सबसे पहले तो दो क्वेश्चन यहाँ ये बनते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स ही क्यों लिए गए, कोई दूसरे पार्टिकल्स क्यों नहीं लिए गए। दूसरा, गोल्ड की शीट ही क्यों ली गई, कोई दूसरी मेटल की शीट क्यों नहीं ली गई। तो गोल्ड की शीट इसलिए ली गई कि पहली प्रॉपर्टी तो गोल्ड की होती है कि इट इज़ हाईली मैलिएबल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैलिएबल होती है, जिसकी वजह से गोल्ड की शीट ली। दूसरा, इसका न्यूक्लियस, हमें एक ऐसा मेटल की शीट चाहिए थी जो पतली से पतली थीन शीट में कन्वर्ट हो जाए, और गोल्ड में सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है मैलिएबिलिटी की। दूसरा, हमें इस नेचर के साथ साथ ये भी देखना था कि जो हमें न्यूक्लियस चाहिए, जो मतलब मिड में सब्सटेंस चाहिए, वो न्यूक्लियस चाहिए, वो उसका हैवी न्यूक्लियस वाला मेटल चाहिए था। तो गोल्ड काफ़ी हैवी न्यूक्लियस वाला मेटल था, इसलिए इसको क्या किया था, सेलेक्ट किया गया था। अब बारी आती है कि ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए, देखिए प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट शायद आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ लिया होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट में कंडीशंस जो नई बातें हैं वो काफ़ी आपको पता लगने वाली हैं। तो पहली बात कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक्चुअल में आपने देखा होगा कि जिस एटम का एटॉमिक नंबर 2 होता है उसको हीलियम बोला जाता है, और इसका मास नंबर 4 होता है, ठीक है। तो ये हीलियम का एटम है। अब हीलियम के एटम की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो हीलियम का एटम के एटॉमिक नंबर 2 है, तो एटॉमिक नंबर 2 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे और इसके अंदर प्रोटॉन्स भी 2 होंगे। जब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स होंगे तो हमें पता है कि प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। तो 2 प्रोटॉन्स मैंने ऐसे दिखा दिए, और इलेक्ट्रॉन्स कहीं यहाँ पर होंगे और वो रिवॉल्व हो रहे होंगे। लेकिन अगर ये हीलियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, एनी हाउ ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो हमें पता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उतना पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें तो 2 पॉजिटिव हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज करें हैं वो बाहर दिखा दिए इस तरीके से। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और ये 2 पॉजिटिव हो गया, तो हम देखेंगे कि 2 पॉजिटिव कब हुआ, जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन भी चला गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी मूव हो गया। जब दोनों इलेक्ट्रॉन मूव हो गए तो ये हीलियम का क्या बचा, केवल और केवल न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या है, ये जो न्यूक्लियस बचा हीलियम का, दीज आर द अल्फा पार्टिकल्स, ये होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। हीलियम के न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, अल्फा पार्टिकल्स बोला जाता है। हीलियम के न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, अल्फा पार्टिकल्स। और इस पर चार्ज कितना होता है, तो अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है, चार्ज 2 होता है, और इन पार्टिकल्स को बोला था अल्फा पार्टिकल्स। अब बारी आती है कि ये मॉडल में ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब एक्सपेरिमेंट के लिए तो मैं आपको साइड में यहाँ पिक्चर दिखा दूंगा, मैं एक जनरली पिक्चर बना के भी दिखा देता हूँ आपको। हुआ क्या कि यहाँ पर एक गोल्ड की थीन शीट ली गई, अब उस थीन शीट को, पूरी थीन शीट को ना बना के मैं केवल गोल्ड का एक एटम बना रहा हूँ, ताकि आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है, बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाए। केवल एटम बना रहा हूँ मैं, पूरी शीट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। एटम था ये गोल्ड का एटम, और यहाँ से एक ब्लॉक, एक आयरन का ब्लॉक लिया गया, और इस आयरन के ब्लॉक के अंदर क्या रखा गया, इस ब्लॉक के अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया जो अल्फा पार्टिकल्स को इमिट कर रहा था, ठीक है। जब ये अल्फा पार्टिकल्स को इमिट कर रहा था तो हमने देखा कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे, ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से
ये सारे में से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। अब अल्फा पार्टिकल्स जब ये निकल रहे थे तो ये देखा, तो रदरफोर्ड ने देखा कि तीन ऑब्जर्वेशन को रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व करा, किस पर, जब ये तीन अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ पर बम्बार्ड किए जा रहे थे यानी फेंके जा रहे थे। तो देखा गया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या कर रहे थे, वो सीधे वो एटम में से सीधे निकल कर चले गए। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स कहाँ चले गए, एटम में से सीधे, यानी एटम को पेनिट्रेट कर पार कर निकल गए। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स एटम को पार करके पेनिट्रेट करके चले गए, ठीक है। मैं एक एटम से कंपेयर करके आपको समझा रहा हूँ, मैं साइड में पिक्चर दिखा दूंगा एक्चुअल में क्या था। मैं आपको एटम से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, बड़ी इजीली डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो आ रहे थे और वो किसी स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए थे अपने पाथ से, यानी अपने पाथ से आना जाना तो उन्हें सीधा ही था लेकिन वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए थे। थर्ड ऑब्जर्वेशन उनका क्या था, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि फ्यू ऑफ देम का मतलब कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो 100% बाउंस बैक हो रहे थे। बाउंस बैक का मतलब 180 के एंगल से वापस आ रहे थे, सीधा जा रहे थे और सीधा आ रहे थे, ठीक है। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखे। ये तीन ऑब्जर्वेशन क्या थे, तो हम लोग यहाँ पहले कवर करते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा, ऑब्जर्वेशन पहले हम करेंगे ऑब्जर्वेशन, फिर हम देखेंगे कि इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे क्या क्या कंक्लूजन निकले थे। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू गोल्ड शीट। यानी पहला था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड शीट को पार करके निकल गए थे, पेनिट्रेट करके पार करना। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ क्या थे, कुछ अपने एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। Some of them were deflected from their path. यानी उनमें से कुछ ऐसे थे, उनमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए थे। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन था। थर्ड ऑब्जर्वेशन जब हम डिस्कस करते हैं तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या था कि फ्यू ऑफ देम, और फ्यू ऑफ देम में भी बच्चों कितना, लगभग 20,000 में से कोई एक, 20,000 में से कोई एक, अगर 20,000 जा रहे हैं तो 20,000 में से कोई एक, इस रेशो में फ्यू ऑफ देम वर 100% bounce back from the center of atom। यानी एटम के सेंटर से कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे, थोड़े से पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे जा रहे थे और सीधे वापस आ रहे थे। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन थे, फर्स्ट कि मैक्सिमम पार्टिकल इसको पेनिट्रेट करके निकल गए, सेकंड ऑब्जर्वेशन था कि कुछ पार्टिकल्स कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और थर्ड ऑब्जर्वेशन था कि कुछ पार्टिकल फ्यू ऑफ देम ऐसे थे कि वो गए और 100% 180 के एंगल से वापस गए और 180 के एंगल से ही वापस गए और फिर वापस आ गए। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन थे। अब इन तीन ऑब्जर्वेशन पर फाइनल कंक्लूजन दिया गया था एटम के लिए थ्रू रदरफोर्ड के थ्रू। तो आप इन तीन ऑब्जर्वेशन को देखिए, उसके बाद हम करते हैं इसका कंक्लूजन, देख लीजिए आप इसको। तो जब कंक्लूजन की बात आती है, होप आपने देख लिया होगा, तो जब कंक्लूजन की बात हम लोग यहां पर करते हैं तो कंक्लूजन क्या निकले थे वो देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंटल मॉडल के कंक्लूजन क्या थे, फर्स्ट पहला कंक्लूजन क्या था, पहला कंक्लूजन जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल कैसे चले जा रहे थे, पेनिट्रेट करके। तो इस बेस पर कंक्लूजन निकला कि द मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम, रदरफोर्ड ने कहा कि द मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम, ये क्या चल रहे हैं, कंक्लूजन चल रहे हैं बच्चों। कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष पर, किस पर पहुंचे, इस प्रैक्टिकल में क्या निकला निष्कर्ष। तो कंक्लूजन था द मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, एटम का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो खाली होता है। ये किस ऑब्जर्वेशन पर था कि जब पार्टिकल्स सारे पार करके निकल गए, तो इस ऑब्जर्वेशन पर देखा गया। तो इस ऑब्जर्वेशन पर उन्होंने कंक्लूजन दिया कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, खाली, तभी तो उसको पार करके निकल गए, जब कुछ उनके रास्ते में आया ही नहीं वो सीधे निकल गए, और थिन
गोल्ड की शीट इतनी पतली थी, अल्फा पार्टिकल्स हैवी थे और वो निकल गए। ठीक है, तो इस कंक्लूजन पर निकला, देखा कि एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है। दूसरा कंक्लूजन क्या था? तो सेकेंड कंक्लूजन यहां पर देखा गया, तो देखा गया सम हैवी पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल मीन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सम हैवी और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द पाथ। मीन्स जब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि दूसरे ऑब्जर्वेशन में देखा कि मैक्सिमम कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो किसी एंगल से डेविएट हो रहे थे। अब आप खुद समझिए, जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे उन पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। अब अगर पॉजिटिव के रास्ते में पॉजिटिव उसको मिलेगा तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल की वजह से ये सीधा ना जाके अपने पाथ को छोड़कर इधर से उधर मूव हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो इसका मतलब क्या, ये तो अट्रैक्ट होता, ये अपने पाथ से रिफ्लेक्ट ना होता। तो यहाँ सेम चार्ज है, यानी जाने वाला चार्ज भी सेम है और उधर से आने वाला चार्ज भी सेम था, इसकी वजह से ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए। यानी उन्होंने कहा कि सेंटर में, सेंटर की तरफ यानी मिड की तरफ कुछ ऐसा है जो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए। थर्ड ऑब्जर्वेशन उनका क्या था? थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमने देखा था कि मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या थे, 100% बाउंस बैक हो रहे थे, यानी 180 के एंगल से वापस आ रहे थे। तो उन्होंने कहा एट द सेंटर ऑफ द एटम a heavy positively charged is there which is later on called as nucleus, जिसको बाद में क्या बोला गया स्टूडेंट्स, उसको बाद में बोला गया न्यूक्लियस। यानी उन्होंने कहा कि बिल्कुल सेंटर में जब हम जा रहे हैं तो सेंटर में इतना हैवी चार्ज है कि वो जाने वाले पॉजिटिव चार्ज को एकदम रिपेल कर रहा है। जब यहाँ ज़्यादा होगा यहाँ कम होगा तभी तो रिपेल होगा, तो ये इसको रिपेल कर रहा है। तो सेंटर में बहुत हैवी चार्ज है और उस सेंटर में हैवी चार्ज जो है, उस सेंटर को जहाँ पर बहुत हैवी चार्ज रखा है पॉजिटिव चार्ज, उस सेंटर को बाद में क्या बोला गया, न्यूक्लियस। उस सेंटर को क्या बोला गया, न्यूक्लियस। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो रदरफोर्ड मॉडल था या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ये किसके लिए फेमस हुए रदरफोर्ड? क्योंकि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इसी मॉडल के थ्रू हुआ था, और इनको फादर ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी बोला जाता है, किसको, रदरफोर्ड को। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन थे। अभी और भी ऑब्जर्वेशन है, आप इसको देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आप इसको पहले। अब जब हम आगे ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जब आएगा तो हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ फिर हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने यहाँ देखा, जब हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में, उन्होंने कहा कि एंटायर मास कॉन्सेंट्रेटेड इन स्मॉल रीजन एट द सेंटर। उन्होंने कहा एटम का जो मैक्सिमम सारा मास होता है, जो भी एटम का मास है, वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर पर, मिड में है, और उस सेंटर को ही क्या बोला था, न्यूक्लियस। उस सेंटर को ही क्या बोला था, न्यूक्लियस। और वो जो एंटायर मास है दैट इज ड्यू टू किसकी वजह से है, प्रोटोन्स की वजह से। वो एंटायर मास किसकी वजह से है, प्रोटोन्स की वजह से। सेकेंड, अगला ऑब्जर्वेशन क्या था, द पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटोन्स। वो जो पॉजिटिव चार्ज था वो किसकी वजह से था, प्रोटोन्स की वजह से था। थर्ड ऑब्जर्वेशन यानी नेक्स्ट, थर्ड के बाद हमने तीन तो पहले कर लिए थे, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया और ये सेवन्थ हो गया। अब सेवन्थ क्या है, उन्होंने कहा कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उन्होंने कहा इस वजह से, क्योंकि एटम क्या है, एटम के मिड में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या कहा था, तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन था,
इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, they are revolving around the nucleus at very high speed. They are not stationary. They are revolving around the nucleus at very high speed at a definite path that is called as orbit. उन्होंने कहा सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है और मैक्सिमम पार्ट उसका क्या है, खाली, और उस खाली पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है कि वहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि थॉमसन ने कहा था कि एटम वहाँ पर एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने अपने प्रैक्टिकल में कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं है, रुके हुए नहीं है, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व हो रहे हैं, और जहाँ पर वो रिवॉल्व हो रहे हैं वो पाथ क्या है, वो पाथ है आपका ऑर्बिट। उन्होंने कहा वो पाथ जो है जहाँ पर वो रिवॉल्व हो रहे हैं वो क्या है, ऑर्बिट है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the nucleus and electrons is the force of attraction between the nucleus and electron is centripetal force. उन्होंने कहा कि जब कोई एटम रिवॉल्व हो रहा होता है, कहीं पर एटम रिवॉल्व हो रहा होता है, तो आप खुद देखिए सेंटर में तो हो गया न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पर है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कहा क्योंकि हमें पता है, हमारी फिजिक्स कहती है कि जब कोई चीज़ रिवॉल्व हो रही होती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है, और जब उसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी में लगातार चेंज आ रहा होता है, और अगर उसकी वेलोसिटी में लगातार चेंज आ रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को या किसी भी रिवॉल्व होती चीज़ को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स और लगती है, जो क्या होती है, जो इधर से इधर की ओर लगती है और इधर से इधर को इसको बैलेंस करती है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, उसका रीज़न क्या है कि जब कोई रिवॉल्विंग सब्सटेंस, जब कोई सब्सटेंस, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के चारों ओर रिवॉल्व होता है, तो चारों ओर रिवॉल्व होने पर एक बैलेंस्ड फोर्स उस पर लग रही होती है, ओपोजिट चार्ज की वजह से तो उस पर लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसको उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर ऑपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये आपस में मिल जाएंगे, वो आपस में ना मिलें इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इनके बीच में एक फोर्स और लगती है, वो क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो मैं अगर सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ सी बोल रहा हूँ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एफ ई बोल रहा हूँ, तो दीज आर द इक्वल टू ईच अदर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। और तो इस तरीके से ये हमारा मॉडल कंप्लीट होता है। इन शॉर्ट अब हम इसकी बात करेंगे लिमिटेशंस की, आप इसको देखिए और उसके बाद हम बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। होप आपने इसको देख लिया होगा। चलिए अब क्या बारी आती है, तो इन शॉर्ट इस मॉडल की फाइनल समरी क्या थी, तो इस मॉडल में रदरफोर्ड ने कहा कि एटम जो होता है, एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली होता है, और उस खाली जगह पर कौन रिवॉल्व हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और उस खाली जगह को एटम में, उसने कहा कि ये जो खाली जगह होती है, उस खाली जगह को यानी न्यूक्लियस के बाहर जो भी जगह होती है उसको क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट,
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे होते हैं, और जब इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जहां भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होते हैं उसको क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। उसको क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कब लगती है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा तब लगती है जब कोई चीज़ रिवॉल्विंग हो रही होती है। तो इस तरीके से उन्होंने इस एटम को डिफाइन किया, और इस एटम को डिफाइन किया या कहें इस मॉडल को डिफाइन किया एटम के लिए। और एक्चुअल में इनके इस डिफाइन करने की प्रोसेस को हम कंपेयर कर सकते हैं सोलर सिस्टम से। कैसे, जैसे सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर क्या होते हैं, सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व हो रहे होते हैं, उसी तरीके से एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे होते हैं। और एटम का एंटायर मास, यानी एटम में जो मास होता है, क्योंकि ये बात तो प्रूव कर दी थी उन्होंने कि मैक्सिमम पार्ट होलो है, खाली है, तो एटम का एंटायर मास जो होता है दैट इज़ ड्यू टू मास ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन के मास की वजह से होता है। और प्रोटॉन्स जहाँ पर होते हैं उस पार्ट को क्या बोला गया था, न्यूक्लियस। उस पार्ट को क्या बोला गया था, न्यूक्लियस। और यहाँ पर ही इसी मॉडल के थ्रू न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। तो होप आपको ये मॉडल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बारी आती है बच्चों कि ये मॉडल भी फेल हो गया था, तो इस मॉडल की भी कुछ कमियाँ थी। वो क्या कमियाँ थी वो अब हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट कमी ये थी इस मॉडल की, जिसको हम कमियों को बोलते हैं लिमिटेशंस। तो पहली लिमिटेशन यहाँ पर ये थी कि लिमिटेशंस की जब हम बात करते हैं तो लिमिटेशंस में पहली लिमिटेशन थी ही कुड नॉट एक्सप्लेन द मैक्सवेल थ्योरी। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द मैक्सवेल थ्योरी। अब ये मैक्सवेल थ्योरी क्या थी, तो बच्चों मैक्सवेल जो थे एक साइंस के, यानी केमिस्ट्री का हम कहें कि फिजिक्स के बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। आपका जितने भी आप फिजिक्स पढ़ते हो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स पढ़ते हो यानी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, आप मैग्नेटिज्म पढ़ते हो, सारे कंसेप्ट मैक्सिमम मैक्सवेल ने दिए थे, बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मैक्सवेल ने कहा कि मेरे हिसाब से मेरी फिजिक्स ये कहती है कि जब कोई सब्सटेंस किसी एक पॉइंट के चारों ओर घूमता है, तो एक पॉइंट के चारों ओर रिवॉल्व होते हुए या तो वो एनर्जी को गेन करता है या फिर वो एनर्जी को लूज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक धागे में पत्थर बांध दूँ और धागे में पत्थर बांध के हाथ को ऐसे घुमाने लगूँ, तो जैसे जैसे मैं हाथ को घुमाऊँगा मेरे हाथ से एनर्जी लूज़ हो रही है, और वो एनर्जी किसे मिल रही है, उस पत्थर को, और वो पत्थर घूमना स्टार्ट हो गया। और जैसे जैसे मैं घुमाता जा रहा हूँ पत्थर की एनर्जी बढ़ती जा रही है, और धागा पहले ऐसे घूम रहा था, फिर ऐसे, फिर वो सीधा हो गया, ऐसे ऐसे घूमने लगा। और अगर मैं हाथ को और तेज़ घुमाऊँगा तो मेरी एनर्जी किसको मिलेगी, पत्थर को, स्टोन को, उस धागे से बंधे स्टोन को। और धागे से बंधे स्टोन को जब एनर्जी और मिलेगी तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, धागा टूट जाएगा और पत्थर दूर चला जाएगा। मीन्स मैक्सवेल ने कहा कि जब भी कोई चीज़ एक सेंटर के चारों ओर रिवॉल्व हो रही होती है तो या तो वो एनर्जी को गेन करती है, और वो एनर्जी को गेन करती है तो उसकी लगातार स्पीड बढ़ती है, और इतनी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर वो गेन ही करती जा रही है तो उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपनी उस पाथ को छोड़ देगी, बाहर चली जाएगी। या फिर उसने कहा कि या तो वो एनर्जी गेन करे, या फिर वो दूसरा केस है कि वो एनर्जी को लूज़ करे। मींस अगर वो जो पत्थर में घुमाता जा रहा था तो वो एनर्जी गेन करता जा रहा था, और वो बाहर की ओर ऐसे सीधा सीधा होता जा रहा था, और वो बाहर चला गया टूट के। अगर वो एनर्जी कम उसकी, या फिर अगर वो रिवॉल्व हो रहा है और मैं हाथ घुमाना बंद कर दूँ तो क्या होगा, हाथ घुमाना बंद कर दूँ तो उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, और वो जो पत्थर ऐसे ऐसे घूम रहा था धागे के साथ, वो धीरे 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 ऐसे 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 होता होता क्या होगा, वो पत्थर एक पोजीशन ऐसी आएगी कि वो नीचे आके रुक जाएगा, गिर जाएगा। तो सेम कंसेप्ट मैक्सवेल ने कहा कि जो मेरी फिजिक्स कहती है कि जब कोई एक सेंटर के सराउंडिंग कोई सब्सटेंस घूमता है तो या तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है या फिर वो एनर्जी को गेन करता है, या तो एनर्जी का लूज़ करता है या वो एनर्जी को गेन करता है। अगर वो एनर्जी को लॉस करेगा, गेन करेगा, तो गेन करने का मतलब है कि वो यहाँ नहीं घूमेगा, वो घूमता 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 बाहर चला जाएगा, उसकी एनर्जी लगातार बढ़ेगी। या फिर अगर वो एनर्जी को लूज़ कर रहा है तो वो घूमता 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 अपनी एनर्जी कम करेगा कम करेगा कम करेगा कम करेगा, और कम करते करते एक पोजीशन ऐसी आएगी कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता है, ना ही वो एनर्जी से अपनी याद, ना ही वो बाहर जाता है। अगर तो इसका रीज़न क्या है,
तो उनके पास कोई शब्द नहीं थे या उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था मैक्सवेल की थ्योरी को फेल करने का, तो वो मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो पहली लिमिटेशन ये थी। दूसरी लिमिटेशन क्या बनी? दूसरी लिमिटेशन बनी ही कुड नॉट, मैं इसको रब कर देता हूँ फिलहाल, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्पेक्ट्रम सुना है आप लोगों ने, स्पेक्ट्रम के प्लूरल वर्ड को ही क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रा। अब स्पेक्ट्रा क्या होता है वो समझिए। आपने स्पेक्ट्रम देखा है, अगर हम क्या करें, हमने कोई वेव सपोज करो सनलाइट है और सनलाइट क्या आ रही है, इस प्रिज्म पर पड़ रही है। तो सनलाइट इस प्रिज्म पर पड़ रही है, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि जब सनलाइट, वाइट कलर की सनलाइट जब किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो वो 7 कलर्स में यहाँ से निकलती है, और वो जो 7 कलर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विबग्योर। उसको हम क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। तो ये तो है नॉर्मल स्पेक्ट्रम। ये क्या है? नॉर्मल स्पेक्ट्रा है, नॉर्मल स्पेक्ट्रम। लेकिन हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है? हुआ क्या कि जब लाइट आई, कैसे आई, तो अभी इसको मैं बोहर्स मॉडल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अभी तो मैं आपको हल्का सा बता रहा हूँ कि सपोज करते हैं कि हाइड्रोजन, एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस थी, और यहाँ से लाइट डाली गई, वाइट लाइट डाली गई। जब यहाँ से वाइट लाइट डाली गई तो यहाँ आने कितने चाहिए थे? 7 कलर। लेकिन यहाँ 7 कलर ना मिलकर यहाँ क्या मिल रहे हैं? यहाँ रेड मिल रहा है, ब्लू मिल रहा है, ग्रीन मिल रहा है, रेड मिला, ब्लू मिला, ग्रीन मिला, येल्लो मिला, लेकिन वायलेट और इंडिगो और ऑरेंज नहीं मिला। कुछ कलर मिले और कुछ कलर नहीं मिले। तो जब किसी स्पेक्ट्रम में कुछ कलर मिलते हैं और कुछ कलर नहीं मिलते हैं तो उसको लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा, या फिर हम उसे बोल देते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। तो जब उनसे ये पूछा गया कि भाई जब तुम्हारे एटम पर लाइट पास कराई जा रही है और उससे इलेक्ट्रॉन रेडिएट हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन रेडिएट हो गए, कुछ कलर दे रहे हैं और कुछ कलर नहीं दे रहे हैं, मीन्स वो लाइन स्पेक्ट्रा क्यों बना रहे हैं, वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा क्यों बना रहे हैं, वो नॉर्मल स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बना रहे? तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। वो इस कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे तो यानी ये इसकी लिमिटेशंस थी। और मैक्सवेल की जब ये लिमिटेशंस बनी तो इन लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था बोहर्स। और बोहर्स ने एक मॉडल दिया और वो मॉडल क्या कहा गया? बोहर्स मॉडल। तो बोहर्स मॉडल में ये सारी लिमिटेशंस को रिमूव कर दिया गया। उन्होंने मैक्सवेल की जो थ्योरी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो मॉडल बोहर्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी, और जो स्पेक्ट्रा रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे उन्होंने मॉडल बोहर्स मॉडल में स्पेक्ट्रा को भी बहुत इजीली डिफाइन किया, और बोहर्स मॉडल इससे एडवांस मॉडल कहलाया गया। तो इस तरीके से रदरफोर्ड मॉडल हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों बोहर्स मॉडल, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।